देखिए भाई लोग, आज हम लोग बीपीएससी लेक्चरार का कटअप के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, इतना सारा एग्ज़ाम हो मैंने हुआ इधर बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। सिविल का हुआ, मैकेनिकल का हुआ, ठीक, सारा ब्रांचेस का हुआ, ठीक। थोड़ा सा जब आप केस स्टडी कीजिएगा इस विषय में तो एक चीज़ पाइएगा। देखिए, जैसे एक बात बताइए, यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है, आ रहा ना, ठीक। देखिए, जनरल का कटअप लगभग 25 है, ठीक है, 25 कहीं आसपास है, चाहे एक कम जाए इसमें से 24.5 हो जाए या 25.5 हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन डिलीट के बाद बता रहे हैं। अब एक बात बताइए, 25 कोई लड़का पाया जनरल में, उसका सिलेक्शन कब हो सकता, आखिरी लिमिट क्या होगा, जुड़िए आप ही। मान लीजिए उसका एमटेक भी हो, ठीक, सब कंडीशन उसके फेवर में आप दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर वो बीटेक में 80% है, मान लीजिए, ठीक है, एमटेक में भी उसका मान लीजिए 80% है, ऑन एन एवरेज इतना मैंने रहता ही है सबका, तो 4 नंबर यहाँ से आ जाएगा उसका, कितना हो रहा है टोटल देखिए, तो 8 4 12 12 5 17 और ये 37 नंबर बन रहा है, ठीक है। अब देखिए, एपी के एग्ज़ाम में क्या हुआ था, जिसको 10 मिला था ना, सिलेक्शन नहीं हुआ था, बहुत बहुत लोग बाहर हो गया था, ठीक है। ऑन एन एवरेज वहाँ नंबर मिला था 10 11 12 13 14 भी मिल गया था, 15 भी कुछ मैंने कुछ आदमी को मिला था, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ उसको 12 मिल रहा, क्योंकि उसको लेना है सिलेक्शन और उसका नंबर है सबसे कम, ठीक है, 12, कितना आ रहा भाई, 49, ठीक। देखिए, लड़का का एमटेक भी है, और इसमें क्या है, ज़्यादातर लड़का जो क्वालिफाई किया हुआ है सब बीटेक है, ठीक है। तो मेरे को जो लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कट ऑफ मान लीजिए और आधा नंबर इधर उधर हो जाए, 49 चला जाए, 50 चला जाए, इसके ऊपर तो कभी नहीं जा सकता, ठीक है। और ये सब सारा क्राइटेरिया उसके पास मैंने होना चाहिए कि भाई एमटेक में इतना नंबर हो, बीटेक में इतना हो, एमटेक में इतना हो और ये 25 हो, ठीक। उस हिसाब से हम लोग ये सब डिसाइड किए हुए हैं, ठीक है। और मान लीजिए बीटेक कलर का बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तब जाहिर से बात है कट ऑफ गिरेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग रखे हैं कितना, 46 से 49, ठीक है। आप प्लस माइनस वन चलेगा, वेरिएशन कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, माइनस तो नहीं होगा, प्लस ही मान के चलिए, ठीक है, प्लस मान के चलिए, इसको प्लस वन हो सकता है, तो 47 से 50 कर दीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ भी सेम चीज़ रहेगा, देखिए यूआर के बाद हम लोग डायरेक्ट देखते हैं बीसी। देखिए, यूआर और बीसी में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, 1.5 या 2 नंबर का फ़र्क रहेगा, ठीक है। उसके हिसाब से ही हम लोग बनाए हैं। देखिए, अगर 46 रहा तो 44, और 49 रहा तो 47, यहाँ भी 1 नंबर का आप ले सकते हैं, ठीक है, मार्जिन लेके चलिए, ज़्यादा ही होगा, कम ही, देखिए इससे कमने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। एक और बात बता दें, मैकेनिकल में प्रोफेसर का, इस सिविल में प्रोफेसर का जितना भी रिजल्ट आया ना, जो लड़का लोग ये सोच रहा था कि भाई मैक्सिमम तो इतना जाएगा ना, मिनिमम से कट ऑफ डिसाइड होता, नहीं भाई, मिनिमम आते आते 1 1.5 नंबर फर्क पड़ रहा है यहाँ, ठीक है, या 2 नंबर मान के चलिए। अगर मैक्सिमम 51 होगा ना, मान लीजिए टॉप 10 का 51 होगा ना, तो उसका मिनिमम 49 या 48 तक आके रुक जाएगा, सीट कम है, ठीक है। तो ये सब अच्छा सा आप लोग देख लीजिए, बीसी का कट ऑफ कितना है, 44 से 47, ईडब्ल्यूएस का कितना है, 41 से 43, और ईबीसी का भी कितना है, 41 से 43, ठीक, ये लगभग दोनों सेम ही जाएगा, हो सके तो ईडब्ल्यूएस ही कम चला जाए ईबीसी से, ठीक है। एससी का कितना है, 39 से 41, एसटी का कितना है, 40 से 41। देखिए, इन दोनों में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड है, बट यहाँ तक तो एकदम यही रहेगा लगभग, प्लस वन हो सकता है, बट यही रहेगा, ठीक है। और उसके हिसाब से हम लोग फीमेल देख लीजिए आप लोग, ठीक है, फीमेल का कितना है ईवार में, 38 से 40, ईडब्ल्यूएस में कितना है, 36 से 38, बीसी में कितना है, 33 से 35, ईबीसी में कितना है, 32 से 34, ठीक, एससी में 30 से 32, एसटी में 31 से 33, ओके, थैंक यू।